सो दोस्तों, आप जो ये करेंसी देख रहे हो ये टोटल इंडिया की ही करेंसी है। ये मेरे पापा ने बचपन से कुछ कलेक्शन स्टार्ट किया है और आज ये भैया के उसमें मैं आप सबको ये दिखाना चाहूँगा। और ये जो आप इन सिक्कों पर चित्र देख रहे हैं ये इनकी भी अपने आप में ही एक हिस्ट्री है जो अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें मैं आपको एक पैसे से लेकर 10 रुपये तक के सिक्कों को दिखाऊंगा, जिसमें आधे आने, एक आना, डेढ़ आना, दो आने तक भी हैं इसमें। बहुत पुराने पुराने सिक्के हैं इसमें। सो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इन सिक्कों के बारे में बताता हूँ। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, एंड तक देखनी है आपको वीडियो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक पैसे से लेके हर तरह के 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। ये एक पैसा हो गया, ये 2 पैसे, ये 3 पैसे, ये 5 पैसे, 10 पैसे, ये दूसरे 10 पैसे, 20 पैसे, ये 25, ये अंग्रेज़ों के टाइम के 25 पैसे, ये भी है, ये 1930 का है, 1/2 यानी कि 1/4, 25 पैसे, ये 50 पैसे, ये भी 50 पैसे, ये 1/2, ये 50 पैसे अंग्रेज़ों के टाइम के, ये 50 पैसे हैं मानव शर्म दिवस का 50 का सिक्का। स्टेट बैंक के 100 वर्ष के होने पर यह सिक्का जारी करा था 5 का। देखो 1806 लिखा ना, क्या 1806 और 2006। सो दोस्तों, मैं आपको इन दोनों सिक्कों की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये है तो दोनों 5 के ही सिक्के। ये स्टेट बैंक का सिक्का है, जब स्टेट बैंक को पूरे 100 साल हो गए थे तब स्टेट बैंक ने ये करा था इशू। 1806 से 2006, 100 साल हो गए थे पूरे। और ये BHL का सिक्का है, BHL बना था 1964 से 2014, ये 50 साल पूरे हो गए। अपनी भारत की करेंसी के 5 के सिक्के और नोट हैं। इसमें जो 5 के सिक्के हैं इस पे हर तरह की मूर्ति बनी हुई है, उसका अपना महत्व है। ये 5 के और 5 के नोट और ये 5 के सिक्के हैं। ये 5 के सिक्कों पे जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसका जन्मदिन या जयंती होती है तो उसके उपलक्ष में वो सिक्का जारी करते हैं। अच्छा। और इन पे उनकी मूर्ति बनी हुई है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल बोरा, रजिया बेगम, लाल बहादुर शास्त्री, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। ये जवाहरलाल नेहरू जी का है, ये भी उनकी जयंती मनाई गई थी तब ये चलाया था। ये जिनके ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं उनके नाम है। 10-5 के सिक्के में राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और मोतीलाल बोरा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कुक्का आंदोलन, और लाल बहादुर शास्त्री जी, और क्या नाम अपना भगत सिंह जी, और जहाज रानी, और उच्चतम न्यायालय के 50 वर्ष होने पे इलाहाबाद, और अपना जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रमंडल खेल जो 1910 में थे हुए, मदन मोहन मालवीय, रजिया सुल्तान, और अपने मोतीलाल बोरा जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री और विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। और भी इनमें बहुत सारे हैंगे जो सिक्के 2 में भी हैं, उन पे भी ऐसी कोई ना कोई मूर्ति बनी हुई है। सो गाइज, मैं आपको इन सिक्कों के बारे में बताता हूँ। ये जो आप 2 सिक्के देख रहे हो ये मुग़लों के ज़माने के हैं, और जो इनके नीचे के सिक्के देख रहे हो आप ये अंग्रेज़ों के ज़माने के सिक्के हैं, जब अंग्रेज़ों ने हम पे राज करा था तब ये चलते थे। ये तो बहुत ही पुराने सिक्के हैं ये वाले। सो गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरी कलेक्शन है। ये हो गया 1 का नोट, ये भी 1 के नोट, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब 1 के नोट हैं। ये हो गया 2 का नोट, ये भी 2 का नोट, ये 5 का नोट, ये भी 5 का नोट, ये भी, ये भी, पांच का,
और ये 10 का, और ये देखो इसमें मोर और हिरन बने हुए हैं। देखो ये भी है 10 का नोट, इसमें भी बने हुए हैं मोर और ये भी हो गई। ये है देखो एक, ये उससे भी पुराना है फ्रेंड्स, ये उससे भी पुराना है, इसमें बनी हुई है 9, ये उससे भी पुराना है पहले वाले से, ये भी वही है। और ये पुराना 500 का नोट है, ये हमारे पास रह गया था एक निशानी के लिए रख रखा हमने ये। वो गाइस ये 1000 का नोट है, ये भी जो बंद हो गया है, ये भी मैंने अपनी कलेक्शन में रखा हुआ है दोनों को संभाल के। ये अपने बच्चों को दिखाऊंगा मैं। जय माता दी, आपको लगेगा कि मैं क्यों जय माता जी बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने 10 के सिक्के तो बहुत देखे होंगे, इसमें मेरे पास अब अलग अलग कलेक्शन के 10 की सीरीज़ है। ये सबसे पहले मैं आपको माता जी का सिक्का दिखाऊंगा, इसमें माता जी वैष्णो माता, और ये वाला सिक्का है डायमंड ज्वेलरी के 50 वर्ष जब हो गए थे तब का। और ये है नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जी हमारे, ये है अंबेडकर जी का सिक्का 120वीं जयंती का, और ये 2021 का किसान का सिक्का, ये सिक्का है होमो मामा का, और ये वाला सिक्का है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, फर्स्ट फेस्टिवल था जब तब का। सो गाइज ये कलेक्शन थी मेरी 10 रुपए के सिक्के की सीरीज की। सो गाइज एक कलेक्शन और दिखाता हूँ, वो ज़बरदस्त पैसे से रुपए में कन्वर्ट होते हुए, पहले ज़माने के जो पैसे होते थे आधे आने से लेके 10 रुपए तक, तो ये मैं दिखाता हूँ, ये आधा आना है और ये एक पैसा है, और एक पैसा तांबे में भी आता था, ठीक है। ये है 2 पैसे, और इसका ये दूसरा सिक्का है 2 आना, ये भी 2 आना है, ये भी ये 3 आना है, ये 4 आना है, ये है 5 पैसे, 5 के बाद आएंगे ये 10 पैसे हो गए, और ये हो गए 20 पैसे, 20 पैसे का ही दूसरा सिक्का ये भी है 20 पैसे, कमल का, इसमें कमल बना हुआ है, और ये हो गया हमारा आधा रुपये 50 पैसे। 50 पैसे के बाद आ गया हमारा 1 रुपये, ये तो आपने देखा ही होगा सबने, ठीक है। 1 रुपये के बाद आ गए 2 रुपये, 2 रुपये के बाद आ गए हमारे 5 रुपये, 5 रुपये के बाद आ गए हमारे 10, और ये हो गए हमारे 5 रुपये। लेकिन 5 रुपये का सिक्का आपने बहुत तरह का देखा होगा, लेकिन ये वाला नहीं देखा होगा, ये नॉर्मल साइज से बड़ा है काफ़ी अगर आप देखोगे तो। और उसके बाद हो गया हमारे 10 रुपये। सो गाइज ये थी मेरी कुछ कलेक्शन, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी बहुत, और आपने आधे सिक्के इनमें से पहली बार देखे होंगे। सो गाइज ये 2 सिक्के तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, इनके बारे में बताता हूँ। ये ग्वालियर के राजा जंग बहादुर, ये सिक्का ग्वालियर के राजा जंग बहादुर जी के उसमें बना हुआ है, और ये है, ये सिक्का है 1935 का, 1/4 आना, 1/4 आने का 1/4, ये भी बहुत पुराना सिक्का है। ये सिक्का है 1906 का, और ये वाला सिक्का है 1928 का, और ये वाला सिक्का है 1935 का, ये सिक्का है 1950 का, ये वाला सिक्का 1941 का है, ये वाला सिक्का है 1936 का। ये भी बहुत पुरानी कलेक्शन है, जो शायद ही आपने आज देखी होगी कभी। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये कलेक्शन? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मेरा कलेक्शन। और हाँ, अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जो इन कॉइन को लेना चाहता है, वो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपनी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, और आप मेरे को मेरी आईडी पे ईमेल कर देना। सो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।